ধুবুরি আরক্ষীর ড্রাগস বিরস্তকরণ অভিযান। আজ ধুবুরি জেলার গৌরীপুর আরক্ষী থানার অন্তর্গত আলমগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়েতের রঙামাটি গৃহরক্ষী বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবিরের সমীপত ধুবুরি আরক্ষীর ড্রাগস বিরস্তকরণ অভিযান। আজিৰ এই বিনষ্টকৰণ অভিযানত উপস্থিত থাকে ধুবুরী জেলার আরক্ষী অধীক্ষক, উপ আরক্ষী অধীক্ষক, অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক, দুগৰাকী দণ্ডাধীশ, বিভিন্ন আরক্ষী থানার আরক্ষী বিষয়া আর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক বন্ধুসকল। এই ড্রাগস বিনষ্টকৰণ অভিযানত কফ সিরাপ, হিরোইন, আপিং, গাঁজা, নিচাজাতীয় টেবলেট আদিকে ধরে বিভিন্ন নিচা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। প্রায় 1.5 কোটি টাকার নিচাজাতীয় দ্রব্য উদ্ধার করা হয়। আরক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে আমি অকলেই নিচাজাতীয় দ্রব্য শেষ কৰিব নোৱাৰো, আপোনালোকেও আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। বৰ্তমান সময়ত স্কুল কলেজের ছাত্রসকলে দ্রব্য সেৱন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মিল্কি ড্রাগস কা ডিস্পোজল হো ৰা হে, ইসকা মার্কেট ভ্যালু জো হে ও লগভগ 1.5 কৰোৰ ৰুপিজ হে। তো ইসকা আজ ইয়া ডিস্ট্রাকশন হোনে যা ৰা হে। তো ইয়ে জো ডিস্ট্রাকশন হে, ইসকে হিসাব সে ধুবুরী পুলিস অর মে খুদ এক মেসেজ দেনা চাহতা হু সবকো কি ড্রাগ কা জো এডিকশন হে बहुत ख़राब चीज़ है। ये सिर्फ आपको नहीं, आपके घर को, समाज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे आप लोग दूर रहिए। और धुबरी पुलिस जो ड्रग्स के खिलाफ काम कर रही है उसको, उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 14 मंथ्स में मई 2021 से लेकर अभी तक 178 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 291 लोगों को अरेस्ट हुआ है। और हम हर एक केस में प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हर एक केस एक मजबूत हो, लीगली साउंड हो, इसलिए बहुत सारे लोगों का बेल नहीं हुआ है। साल से जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और जिनका बहुत सारा लिंकेजेस है उनके ऊपर, तो ये भी हम कर रहे हैं। तो हमारा ड्रग्स का फाइट ये जारी रहेगा। और लोगों को मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए निवेदन करता हूँ कि आप ड्रग्स से दूर रहिए। और आपके एरिया में अगर ड्रग्स कोई सेवन कर रहा है, ड्रग्स कोई बेच रहा है, तो पुलिस को आप ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारा इन्फो लाइन नंबर है जो हमारे फेसबुक पेज पे हम बार बार देते हैं, तो आप इस पे हमको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। और आपका जो आइडेंटिटी है वो हम सीक्रेट रखेंगे। ड्रग्स का जो है सिर्फ पुलिस के एक्शन से नहीं होगा, सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा। ड्रग्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने सवाल पूछा इसलिए मैं बता देता हूँ, सप्लाई और डिमांड। तो सप्लाई जो है इस पर पुलिस कंटिन्यूसली अटैक कर रही है, सप्लाई जो कर रहे हैं ड्रग्स जो बेच रहे हैं, ड्रग पेडलर है, नार्को क्रिमिनल्स, उसके ऊपर डिमांड मतलब जो एडिक्ट लोग हैं, जो घर घर में लोग ले रहे हैं, चुपके से ले रहे हैं, घर वालों को पता नहीं है, पता है समाज को, पता कभी कभी पता नहीं चलता है। तो ये सारे जो लोग हैं ये डिमांड पे ऊपर हमको अटैक कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का हेल्प चाहिए। तो सबको मैं निवेदन करता हूँ, जो भी धुबरी वासी है, आपके घर में अगर कोई भी आपको संदेह है मेरे घर का परिवार का व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। क्योंकि एडिक्टेड आदमी बहुत बार हमारे पास आते हैं कि एडिक्टेड इसको जेल में डालो। एडिक्टेड आदमी एक खुद ही विक्टिम है ड्रग्स का, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। और बहुत बार ऐसे होता है, मतलब मैं 90% केस में बोलूँगा, अगर इनिशियल स्टेज पर अगर डिटेक्शन होता है और इमिडिएटली उसको काउंसिलिंग किया जाता है, काउंसिलिंग और प्रिलिमिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही उसका ड्रग का एडिक्शन छोड़ा जा सकता है। लेकिन बहुत बार हमारे समाज में क्या है कि छुपाना चाहते हैं लोग कि हमारे घर में ड्रग एडिक्ट है, हमारा बेटा ड्रग्स लेता है, भाई ड्रग्स लेता है, तो छुपाने के चक्कर में ड्रग्स का एडिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस पॉइंट पर चला जाता है कि उसको बहुत बार डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट करना पड़ता है एक दो महीने। और बहुत बार एडमिट करने के बाद भी फिर रिलैप्स हो जाता है, मतलब वो छोड़ देता है, फिर 6 महीने बाद ले लेता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो सबसे मेरा निवेदन है कि आप भी इस लड़ाई में हमारे साथ आ जाओ। गौरीपुरा, शहाबुद्दीन मुल्ला रिपोर्ट, जी न्यूज़ प्रेस।